सूद से बचना है, सूद बहुत बड़ा गुनाह है। टाइम ज़्यादा हो रहा है, एक अहम बहुत टॉपिक है जो अभी कल बताया गया था कि वो हैवी डिपॉजिट का मसला, हैवी डिपॉजिट का मसला है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लोग जो है वो हैवी डिपॉजिट पे घर ले लेते हैं। हैवी डिपॉजिट मतलब आप कैसे समझोगे कि कोई बंदा है वो किसी से भाड़े के ऊपर घर ले रहा है, भाड़े के ऊपर रूम ले रहा है, और वो जो है रूम लेने से पहले 5 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल दे दिया, अब भाड़ा नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है, भाड़ा नहीं दे रहा है, 5 लाख रुपया दे दिया, 4 लाख रुपया दे दिया, जो भी दे दिया ज़्यादा पैसा देकर अब वो भाड़ा नहीं ले रहा है। अब मुझे बताओ ये जो 5 लाख रुपया दिया वो उसी के हैं या नहीं है, उसी का है, उसी का है, वो 5 लाख रुपया उसी का है। कल को वो 5 लाख रुपया उसको वापस मिलेगा, 1 रुपया भी उसमें से कम नहीं होगा, वो 5 लाख रुपया उसको वापस मिलेगा। तो ये जो 5 लाख रुपया उसने दिया और वो जो घर में रहा, तो ये घर में किस वजह से रहा, 5 लाख रुपये के बदले पता चला वो उधार देकर फ़ायदा उठा रहा है, क्या कर रहा है, उधारी हुई ना जब पैसा वापस लेगा तो उधार हुई, तो वो उधार देकर क्या कर रहा है, फ़ायदा उठा रहा है। यही चीज़ इस्लाम मना करता है, यही चीज़ क्या है, सूद है कि आप पैसा देकर उसके ऊपर फ़ायदा उठा रहे हो, आप फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो हैवी डिपॉजिट का मसला क्लियर है कि आप जो है ज़्यादा पैसा देकर भाड़ा ही नहीं दे रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते हो, जायज़ नहीं है। ये भी सूद की एक किस्म है जो हमारा मुलव्विस है। एक चीज़ है कि अगर सूद ये जो ज़्यादा पैसा दे दिया 5 लाख रुपया, लेकिन मोहल्ले में भाड़ा चल रहा है 10,000 रुपया, लेकिन अगर भाड़ा 5,000 भी दे रहा है तो ये भी प्रॉफिट उठा रहा है, ये भी क्या कर रहा है, फ़ायदा उठा रहा है। यही इस पैसे के बदले फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं है उसका उधार देकर, तो ये हैवी डिपॉजिट भी जायज़ नहीं है, इस बात का ख्याल रखें। खसूसी तौर पर सिक्योरिटी कहते हैं, हाँ वही सिक्योरिटी जो यहाँ पर कहा जाता है वो चीज़ जायज़ नहीं है, और जायज़ कब होगी मैंने वो भी आपको बता दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम ही लोगों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।